नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, यदि कोई महिला प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है और हर महीने आप बिल्कुल समय पे यानी ओवुलेशन के दौरान रिलेशन भी बना रही हैं, तब आपको कैसे पता लगेगा कि गर्भ की दीवार से बच्चा आपका चिपकने वाला है या चिपक चुका है। ये एक ऐसा सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, जब गर्भ के दीवार में जा करके बच्चा आरोपित होता है, जिसे इंग्लिश में इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है, तब इम्प्लांटेशन के समय एक गद्दी नुमा दीवाल होती है आपके गर्भाशय के अंदर, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इस दीवाल को थोड़ा सा कुरेदने का काम वो नन्हा सा जाइगोट यानी भ्रूण करता है, जहाँ पे बच्चे को पूरा विकास और पूरा पोषण 9 महीने के लिए गर्भ के अंदर मिलता है। अब ये जो प्रक्रिया है वो आपके पीरियड्स मिस होने से पहले हो चुकी होती है, और लगभग रिसर्चेस ये बताते हैं कि जो आपकी अगली एक्सपेक्टिंग पीरियड है, यानी आपने सोच रखी है कि 1 तारीख को मेरी पीरियड आनी है, तो उसके 4-5 दिन पहले ही हो जाती है। यानी एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट के 5 दिन पहले आपको गर्भ में बच्चा आरोपित हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी की सारी ही प्रक्रिया आप पूरी कर लेती हैं। लेकिन अगर हर महीने आपको वो लक्षण पता हो, तो आपको ये चिंता भी नहीं सताएगी कि आपको प्रेगनेंसी इस बार रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर में इम्प्लांटेशन हुआ है सक्सेस या फिर नहीं हुआ है। एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि पेट में दर्द होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पेट में दर्द जो है वो पीरियड्स में भी होता है। जनरली आपको ऐसा ही पता होगा, हर महिला को पीरियड्स के दौरान पेन होते हैं, अनइजीनेस होता है, पता नहीं और कितनी सारी परेशानियां भी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, पीरियड्स के जैसा पेन जब गर्भ में बच्चा आरोपित होता है उस वक्त भी होता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होती हैं। वही अंतर आपको छोटी सी चीज़ पहचाननी है, उसी को मैं सिखाने वाली हूँ कि आप कौन से दिन पे उस चेंजेस को अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकेंगी, वो दर्द एक्चुअली में कैसा होगा, और कैसे आपको बिना किसी टेस्ट के समय से पहले पीरियड मिस होने तक का भी इंतज़ार नहीं करना है और पता लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या फिर नहीं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि किसी भी महिला का जो ओवुलेशन टाइम होता है, जिस समय वो पूरी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव के लिए तैयार रहती हैं, उनका एग निकलता है उनके शरीर के अंदर से, तो वो वाला टाइम हर महिला का एक फिक्स ड्यूरेशन पे आ जाता है। अगर वो 14वें दिन, मान लीजिए आपके शरीर से अंडा निकला, आपने संबंध बना लिया, तो 14वें दिन के बाद कब लगभग 1 सप्ताह, पूरा 7 दिन इम्प्लांटेशन में उसके बाद जाने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं का पीरियड छोटा होता है, कुछ का बड़ा होता है, इस वजह से फ्रेंड्स जो 7-10 दिन का टाइम होता है 14वें दिन से अगले, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस से आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो यही फेज़ होता है जिस समय बच्चा आपके घर में आरोपित होता है, एक फर्टिलाइज एक चला जाता है आपके घर में जाकर के इम्प्लांट होने के लिए। जब आपके गर्भ की दीवार मोटी होती है और इसमें जाकर के एक छोटा सा जाइगोट, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि फर्टिलाइज्ड एक मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होते हैं, काफ़ी क्विकली होते हैं, और वो एक बॉल की शेप में आते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है। ये नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा सा होता है जो आँखों से दिखाई नहीं देता है, और ये गर्भ में जाकर जब आरोपित होता है, तब गर्भ के दीवाल में जब थोड़ी सी ये जगह बनाता है, उस समय क्रैम्प होता है। क्रैम्प इन द सेंस कि 3 तरीकों से ये दर्द को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पहला दर्द कुछ महिलाओं में महसूस होता है कि कुछ पुल कर रहा है, कुछ खींचा वो जैसा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि स्ट्रेच हो रहा है आपके पेट के नाभि के निचले हिस्सों में। अगर ऐसी स्ट्रेचिंग जैसी आपको फीलिंग लगातार हो रही है और पीरियड्स के 20वें दिन से लेकर के 25वें या 26वें दिन के बीच में हो रही है, और ये हल्का हल्का सा मीठा दर्द लगातार 1-2 दिन तक बना है या कुछ घंटों तक बना है, तो ये इम्प्लांटेशन का पेन है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि कुछ महिलाओं में ये दर्द नाभि के नीचे दाहिने या बाएं साइड भी हो सकता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय यानी 2 ओवरी होती है, और वो दोनों ही ट्यूब से कनेक्ट होती है, जिसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब जिस ओवरी से आपका अंडा खारिज हुआ था, उसी ट्यूब में जाएगा और उसी ट्यूब से फर्टिलाइज्ड होकर फिर यूट्रस की तरफ जाएगा, तो वन साइड क्रैम्प भी इस समय दर्द आपको बना रह सकता है। और तीसरे तरह का जो पेन होता है वो होता है एक तरह का चुभन जैसा पेन।
बिल्कुल चुभने जैसा रह रह कर वो दर्द होता है और ये दर्द जो है कंटिन्यू आपको एक दो घंटे तक परेशान कर सकता है। फिर जैसे थोड़ा आराम कर लेंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो फिर ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन पीरियड्स में जो दर्द होता है उससे आप भली भांति परिचित हैं। वो दर्द पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर बाद में फ्लो के साथ बढ़ता ही चला जाता है। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, 12 घंटों तक वो पेन लगातार बना रह सकता है, पहले दिन कम्प्लीटली वो बहुत परेशान करता है। तो ये जो दो डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताए हैं कि तीन टाइप्स के आपके इम्प्लांटेशन के पेन होते हैं, उनको किन दिनों में समझना है, और पीरियड्स का पेन तो आप जानते ही हैं, तो काफ़ी इजीली आपको डिफरेंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये लक्षण 100% साइंटिफिकली प्रूवन है, बिकॉज इम्प्लांटेशन हमारे बॉडी का प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, जो शरीर अपने प्राकृतिक रूप से गर्भधारण को सपोर्ट करने के लिए करती है। इसके अलावा तमाम ऐसे जो लक्षण हैं वो पीरियड्स में होने के बाद से फील करना महिलाएं शुरू करती हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको जो है हेडेक होना, वोमिटिंग होना, इसके अलावा आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, मूड स्विंग होना, काफ़ी ज़्यादा आपका टेस्ट चेंज हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों आपने इम्प्लांटेशन के पेन को भली भांति समझ लिया है, तो जब आपको ये पेन होता है तो कौन कौन से केयर करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ कि जब ये पेन आपको होता है उस समय कोई भी मेडिसिन आप ना लें बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के। एक्चुअली में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती है, वो गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। अर्लियर स्टेज में वैसे भी आपका नाजुक समय होता है, यानी कि पहला दूसरा महीना वैसे भी खतरा भरा होता है, इसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, डॉक्टर से मिलना है, बहुत पेन हो रहा है तो बताना है कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। उसके बाद ज़रूरी जाँच करके वो टेस्ट के द्वारा आपको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, या फिर जो जनरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के समय जो बहुत लो जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं वो मेडिसिन आपको दी जाएगी। तो ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोच के समझ के फिर मेडिसिन लेना है। दूसरा, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा टेंशन से भी क्या होता है, हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं, फिर प्रेगनेंसी रुकी हुई भी खराब हो जाती है। तो ये दो काम आप करिएगा उस समय, आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहेगी। प्रेगनेंसी को आपको डिटेक्ट करने का भी जो जरिया है पेन के द्वारा वो मैंने समझा दिया। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। अगर कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया है, डिटेल्स में आपको समझना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं कमेंट के आंसर भी दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, या फिर मैं वीडियो भी सेपरेट बना दूंगी। और इससे भी ज़रूरी काम कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मेरी वीडियो आपको देखनी अच्छी लगती है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज आपको मेरे सब्सक्रिप्शन के बाद जो कि फ्री है डेली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो इन द फ्यूचर्स भी आने वाले हैं मेरे चैनल पे। साथ ही साथ कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसे भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो आप एक लाइक भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी होपफुली एक बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियो के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। तो अपना पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।